Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu wa sallama ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. मीर के अशआर हैं, मानी बड़े अच्छे हैं इनके, और क्योंकि इनको हकीकी मोहब्बत और इंसान के अपने दीन से रिश्त के ताल्लुक और तकर्रुब और उसकी रजा को पाने के लिए भी आसानी से कर सकते हैं। इसीलिए हमें ये पसंद कहते हैं, इश्क़ में खौफ व खतर चाहिए, इश्क़ में खौफ व खतर चाहिए, जान के देने को जिगर चाहिए। इन्नल्लाह इश्तरा मिनल मुमिनीन अम्वालहुम बिअन्न लहुम जन्नह। अल्लाह ताला ने अहले ईमान से जान और माल खरीद ली है, जान खरीद ली, कमाल खरीद लिया, उनको जन्नत आता है। इसलिए अगर अल्लाह से मोहब्बत का दावा है, जान के देने को भी तैयार, जान चली जाए लेकिन अल्लाह ताला की मोहब्बत नसीब हो जाए। मरने पे अपने मत जा, तलब में उसकी। इन्हीं का दूसरा शेर है मीर ही का, मरने पे अपने मत जा, तलब में उसकी, को सर को खो रहेगा पर उसको पा रहेगा। इश्क़ में नए खौफ खतर चाहिए, जान के देने को जिगर चाहिए। अगर ये जिगर है, ये हिम्मत है, अल्लाह से मोहब्बत का दावा करो, छोटी मोहब्बत का दावा ना करो। जैसा कि मुफ्ती सदरुद्दीन आज़रदा ने क्या कहा है, उन्होंने भी इसी तरह की बात फरमाई है। एक जान का दिया है तमाम नफ़ा है, दिल सौदा इश्क़ में तमाम नफ़ा है, दिल सौदा इश्क़ में। एक जान का दिया है निया नहीं, जान चली जाए लेकिन अल्लाह ताला की मोहब्बत मिल जाए तो ये कोई, ये सौदा महंगा नहीं, ये नफा बख्श सौदा है, तिजारतुन राबिहा है। रबिहल बैअ अबा यहया हज़रत सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या याद कीजिए कि जब वो हिजरत करने जा रहे थे, मुशरिकीन ने उनको पकड़ लिया, कहाँ जा रहे हो तुम, यहाँ गरीब आए थे, अब मालदार होकर से बचकर निकल रहे हो। कहने लगे, अच्छा मैं अपना माल तुम्हें दे दूं, तुम्हें पता बता दूं तो तुम जाने दोगे? तो कहा हाँ। तो कहा कि मेरा फुला फुला जगह माल रखा हुआ है, वो तुम ले लेना, मुझे छोड़ दो। तो उन्होंने छोड़ दिया क्योंकि वो माल के लालच में आ गए। तो अल्लाह ताला ने आयत नाज़िल फरमा दी, वमिन अन्नासि मन यश्री नफ्सहु इब्तिगाअ मर्ज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफुन बिल इबाद। कुछ अल्लाह के बंदे ऐसे हैं जो अपने आप को बचा लेकर कुफ्र से निकल जाते हैं अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए, माल देकर अपने आप को, अपने ईमान को बचाते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया था जब वो मदीने पहुंचे थे, रबिहल बैअ अबा यहया, रबिहल बैअ अबा यहया, अबू यहया सौदा ने नफा बख्श किया, तिजारत नफा बख्श है, तमाम नफा है, ए दिल तो दाए इश्क में एक जान का दिया है, तो ऐसा दिया नहीं। इश्क में नए खौफो खतर चाहिए, जान के देने को जिगर चाहिए। है आपके पास ये जिगर? काबिले आगोशे सितम दीदगां, काबिले आगोशे सितम दीदगां। अश्क सा पाकीज़ा गहर चाहिए, नहीं मुहिब हो जाता मुहिब सादिक। आंसू बहाता है, पाकीज़ा आंसू निकलते हैं जो उसकी गोद के शाया निशान होते हैं, उसके दामन के शाया निशान होते हैं। जो आशिक सादिक की गोद के जो काबिल, ऐसा पाकीज़ा अश्क चाहिए। और वो अश्क क्या है? वो गुहर है, वो लाल है, वो मोती है। सितम दीदगा यानी आशिक सितम रसीदा। आशिक तो मजलूम होते ही है, आशिक की गोद के काबिल जो अश्क हो, ऐसा पाकीज़ा गुहर चाहिए उसके लिए कि आंसू बहते रहे, उसकी गोद पर टपकते रहे, टप 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 टप, और जमीन भी तब हो जाए। आशिक सादिक को ऐसा रोना। काबिले आगोशे सितम दीदगां, अश्क सा पाकीज़ा गुहर चाहिए। ये तीसरा वाला छोड़ दीजिए। कम है शनासाए जरे दावे दिल, कम है शनासाए जरे दावे दिल। इसके परखने को नजर चाहिए। दावे दिल के जर, जर में दौलत, जो दिल का दाग, दिल का दर्द, दिल में जो दर्द इश्क है, दर्द मोहब्बत है, असर दिल पर हुआ है, इसको पहचानने वाले बहुत कम लोग। कम है शनासाए जरे दागे दिल, दागे दिल की कीमत को पहचानने वाले, मोहब्बत की कीमत को पहचानने वाले। आसारे मोहब्बत जो दिल पर होते हैं, रिक्कत होती है, नरमी होती है, उदास होता है, तैयार होता है, इसकी कीमत लोग कम देते हैं। इसके परखने को दुनियावी माल तो सब पहचान लेते हैं, दुनिया की कीमत, लेकिन इस मोहब्बत के दाग की कीमत को पहचानने के लिए नजर चाहिए, बसीरत चाहिए। कम है शनासाए जरे दावे दिल, इसके परखने को नजर चाहिए। इश्क के आसार है ऐबुल हवस, इश्क के आसार है ऐबुल हवस। दाग़ बदिल दस्त बसर चाहिए। इश्क करना कोई खेल नहीं, इश्क का दावा तो सब कर सकते हैं, लेकिन ये कुछ आसार होते हैं, अलामत होती है इश्क की। ऐबुल हवस, बस हवस परस्त हो और इश्क का दावा करो। इश्क और हवस में फर्क होता है, सच्ची मोहब्बत और एक हवस। हवस ये है कि बस मफाद परस्त हो, तो बुल हवस तो नहीं हो कहीं तुम, क्योंकि इश्क सादिक के दो अलग ही आसार होते हैं। वो क्या है? दाग़ बदिल दस्त बसर चाहिए। दिल में दाव हो, कुड़न हो, दिल के अंदर कैफियत अलग ही होती है मोहब्बत की, महबूब की रजा की। और दस्त बसर, दस्त बसर, दस्त बसर मतलब दो मायने हो सकते हैं दस्त बसर के। एक तो मुतफक्किर होना, मुतफक्किर होना यानी आदमी सोचता है ना, दस्त बसर। और एक दस्त बसर मतलब सलाम करना, आदाब बजाना। तो आदाब भी हो और आदमी मुतफक्किर भी रहता हो। दाग़ बदिल दस्त बसर चाहिए। की पाए हर एक अम्र में, शब्द सलीका है हर एक अम्र में, ऐब भी करने को चाहिए। हर चीज का एक सलीका होता है, बगैर सलीके के कोई चीज सही नहीं होती, कोई चीज जचती नहीं, कोई अमल कामयाब नहीं। अगर कोई ऐब भी करो तो उसमें भी होना चाहिए, उसमें भी अदब का ख्याल, सलीके का ख्याल।